नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस प्रमेय के बारे में, यानी कि बेस थ्योरम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, बेस थ्योरम को शुरू करने से पहले हम जानेंगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय के बारे में, जो कि कहती है, मान ले E1, E2, इसी प्रकार से EN तक प्रतिदर्श समिष्ट S का एक विभाजन है, और मान ले कि प्रत्येक घटना E1, E2, इसी प्रकार से EN की प्रायिकता शून्येतर है। मान लीजिए A प्रतिदर्श समिष्ट के संगत एक घटना है, तब PA जो होता है हमारा, वो बराबर होगा PE1 multiplied by PA by event E1, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें कि हमारा जो इवेंट E1 है वो हो चुका होगा और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होगी इवेंट A की, प्लस PE2 multiplied by PA by E2, जिसमें कि हमें दूसरे इवेंट की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और फिर हमें हमारे इवेंट ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है विद द गिवन कंडीशन कि हमारा जो इवेंट E2 है वो हो चुका है। इसी प्रकार से जब हमारे EN की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा PEN मल्टीप्लाइड बाय PA बाय EN के बराबर, और यही है हमारे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, जो कि कहती है कि अगर हम E1, E2 इसी प्रकार से EN तक को मान ले कि हमारे सैंपल स्पेस S का ये सब पार्टीशन है, और ये सपोज कर ले कि जो इवेंट E1, E2 इसी प्रकार से EN तक जो है, इन सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पर हमारे इवेंट A की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्राप्त होगी हमें PE1 मल्टीप्लाइड बाय PA बाय E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA बाय E2, इसी प्रकार से PEN मल्टीप्लाइड बाय PA बाय EN, जिसे हम समेशन के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि है PEJ मल्टीप्लाइड बाय PA बाय EJ, वेयर J इज इक्वल्स टू 1 to N। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे बेस प्रमेय को, जो कि कहता है यदि E1, E2 इसी प्रकार से EN तक अरिक्त घटनाएं हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, जो कि प्रतिदर्श समिष्ट S के विभाजन का निर्माण करती है, अर्थात E1, E2 इसी प्रकार से EN युग्मतः संयुक्त है और E1 यूनियन E2 यूनियन इसी प्रकार से EN तक बराबर है S के, और A कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है, तो PEI by A बराबर होता है PEI multiplied by PA by EI upon PEJ multiplied by PA by EJ, where J is equals to 1 to N and I is equals to 1, 2, 3 till N। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अभी जो ये मैंने थ्योरम रीड किया होगा, ये आपको अच्छी प्रकार से क्लियर नहीं हुआ होगा। जब हम इस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, तब जाकर आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पर हम आखिर कर क्या रहे हैं। ये जो सूत्र है आपका, ये सूत्र है बेस प्रमेय का, जिसमें कि हमारे जो इवेंट्स दिए गए हैं, उन सब का संयुक्त हम ज्ञात करते हैं कि आखिर क्या आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ उदाहरण की ओर, जो कि हैं दो थैले 1 और 2 दिए हैं। थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद है, जबकि थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छ्य एक गेंद निकाली गई है, जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले 2 से निकाली गई है? अब जब आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, तब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि आखिर उस बेस प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हमने थैले में से गेंद निकाला है,
वो लाल रंग की है और दूसरे थैले से निकाली गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम ट्री डायग्राम मेथड यूज करते हैं, या फिर आप चाहे तो बेस थ्योरम का सीधा सीधा प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ट्री मेथड अपनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस प्रश्न को ट्री मेथड के द्वारा हल करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले मान ले रहे हैं कि जो इवन है वो थैला एक का चयन होने का है, और जो इवेंट E2 है वो थैले दो का चयन होने का इवेंट है। और यहाँ पर हमने A को माना है लाल रंग के गेंद को निकालने की घटना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 बाय A। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो घटना है वो है कि दो थैले हमें दिए गए हैं। उन दोनों थैलों में पहले थैले में है 3 लाल और 4 काली गेंद, दूसरे थैले में है 5 लाल और 6 काली गेंद। इस प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि अगर हमने रैंडमली एक थैले में से गेंद निकाली है जो कि लाल रंग की है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गेंद हमने निकाली है वो दूसरे थैले से निकाली होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इन सभी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगी। जब हम यहाँ पर थैले एक और थैले दो की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2। और जब हम पहले थैले में लाल रंग के गेंद की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 3/7। और जब हम दूसरे थैले में से लाल रंग की गेंद की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 5/11। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है प्रायिकता ज्ञात करने की जो निकाली गई गेंद है वो लाल रंग की है और दूसरे थैले से निकाली गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हो जाएगा वो होगा 1/2 × 5/11। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में लिखा 1/2 × 5/11। अब हमें हमारा टोटल आउटकम लिखना है। तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, पहले थैले में जो लाल रंग की गेंद है उसकी प्रायिकता, साथ में दूसरे थैले में जो लाल रंग की गेंद है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 × 3/7 + 1/2 × 5/11। और दोस्तों, यही हो जाएगी हमारी प्रायिकता कि जो गेंद हमने निकाली है वो दूसरे थैले से निकाली है, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 35/68 के बराबर। अब अगर आप इस प्रश्न को बेस थ्योरम के अनुसार देखना चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त होगा बिल्कुल इसी प्रकार से जो आपका थ्योरम था, उसमें आपने सभी इवेंट्स को प्रतिस्थापित किया। जो पहला इवेंट है वहां पर आपने E1 लिखा है, जो दूसरा इवेंट है वहां पर आपने E2 लिखा है। यहाँ पर आपको दूसरे थैले का ज्ञात करना है, इसलिए आपने जो इवेंट लिया है वो E2 का लिया है। तो जब आप यहाँ बेस प्रमेय के सूत्र में इनके नोटेशंस डालेंगे तो आपको प्राप्त होगा PE2 × PA/E2 / PE1 × PA/E1 + PE2 × PA/E2। जहाँ पर जब आप इनका मान ज्ञात करके लिखेंगे तो आपको प्राप्त होगा ये PE2 का मान होगा 1/2, PA/E2 का मान हो जाएगा 5/11। इसी प्रकार से जब आप PE1 और PA/E1 का मान ज्ञात करेंगे और उसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 1/2 × 5/11 / 1/2 × 3/7 + 1/2 × 5/11, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा ये 35/68 के बराबर। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और बेस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है 3 अभिन्न डिब्बे 1, 2 और 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं,
डिब्बे दो में दोनों सिक्के चांदी के हैं और डिब्बे तीन में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छय एक डिब्बा चुनता है, उससे यादृच्छय एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। यानी कि यहाँ पर भी हमें जिस प्रकार से हमने हमारे पहले उदाहरण को हल किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ज्ञात करना होगा। हमें ये दिया गया है कि जो पहला सिक्का हमने निकाला है वो सोने का है और अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो दूसरा सिक्का डिब्बे में होगा वो भी सोने का होगा। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने माना है कि जो इवन है वो हमारा डब्बा एक का चयन होने का घटना है, E2 जो है वो डब्बे दो का चयन होने की घटना है, E3 जो है वो डब्बे तीन के चयन होने की घटना है, और यहाँ पर A जो होगा वो होगा हमारा निकाले गए सिक्का सोना होने की घटना। अब यहाँ पर हम ट्री मेथड के द्वारा यहाँ पर इस सभी को दर्शाएंगे और इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कि हमें तीन डब्बे दिए गए हैं। पहले डब्बे में जो दोनों सिक्के हैं वो सोने के हैं, दूसरे डिब्बे में जो दोनों सिक्के हैं वो चांदी के हैं, और तीसरे डब्बे में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि उसमें से रैंडमली एक सिक्का निकाला जाता है। अगर वो सिक्का सोने का है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो दूसरा सिक्का भी है वो सोने का है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का प्रयोग करेंगे और उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये बेस थ्योरम के द्वारा भी हम इसी प्रकार से ज्ञात कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों डिब्बों की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/3, और जब आप दोनों सिक्के के सोना होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से दोनों सिक्के के चांदी होने की प्रायिकता जब आप ज्ञात करेंगे तो वो आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सोने के सिक्के के बारे में कहा जा रहा है। और इसी प्रकार से जब आप तीसरे डिब्बे में से प्रायिकता ज्ञात करेंगे सोने की तो वो आपको प्राप्त होगा 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो आ जाएगा 1/3 × 1, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है जब हमने पहले डिब्बे की प्रायिकता को गुणा किया है दोनों सिक्के सोना होने के। तो दोनों सिक्का सोना हमारे केवल पहले डिब्बे में ही है, इसलिए हम पहले डिब्बे का लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें लिखेंगे। तो दोस्तों पहले डिब्बे में जो सोना आने की प्रायिकता है उसे हम डिब्बे की प्रायिकता से गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/3 × 1 + 1/3 × 0 हमारे दूसरे डिब्बे की प्रायिकता, और हमारे तीसरे डिब्बे की प्रायिकता हो जाएगी 1/3 × 1/2, जिसे कि जब हम लिखेंगे तो हमें ये फाइनली प्राप्त हो जाएगा 1/3 × 1/3 × 1 + 1/3 × 0 + 1/3 × 1/2, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2/3 के बराबर। तो दोस्तों अगर पहला सिक्का हमारा सोने का है तो डिब्बे में जो दूसरा सिक्का होगा वो भी सोने का होगा, इसकी प्रायिकता हमें प्राप्त हुई है 2/3। आइए अब इसे बेस प्रमेय का प्रयोग करके देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बेस प्रमेय में जैसा कि जो सूत्र है उसमें जब हम हमारे इवेंट्स को प्रतिस्थापित करेंगे और ए के मान को रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा उस सूत्र के अनुसार PE2 × PA/E2 / PE1 × PA/E1 + PE2 × PA/E2 + PE3 × PA/E3। यहाँ से जब आप इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 1/3 × 1/1/3 × 1 + 1/3 × 0 + 1/3 × 1/2, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको ये 2/3 के बराबर प्राप्त होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं बेस थ्योरम का प्रयोग करके या फिर ट्री डायग्राम का प्रयोग करके आप
इस प्रकार के प्रश्नों की प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात कीजिए कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह 1 पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। दोस्तों, इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी कि यहाँ पर हमारे उसके सच बोलने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी और झूठ बोलने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। प्रश्न में हमें कहा जा रहा है जब वह 1 पासे को उछालता है तो वो बतलाता है कि क्या उस पर संख्या 6 आएगी। अब यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सच में पासे पर जो संख्या आएगी वो 6 ही होगी उसकी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, इसे भी हम ट्री मेथड के द्वारा आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि जो इवन है ये है पासे पर संख्या 6 आने की घटना, और जो E2 है वो पासे पर संख्या 6 नहीं आने की घटना है, और जो A है वो है व्यक्ति के द्वारा पासे को उछालकर यह बताने की कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है P even by A, यानी कि जो पासे पर संख्या 6 आई है वो वास्तव में संख्या 6 हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, जब हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे तो हमारी जो घटना होगी यहाँ पर वो हो जाएगी पासे में संख्या 6 आने की या फिर पासे में संख्या 6 नहीं आने की। ये है हमारी 2 घटना जो कि हमें इस प्रश्न के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब संख्या 6 आने की जो स्थिति है इसमें हमें 2 प्रकार की घटना प्राप्त हो रही है, या तो वास्तव में 6 संख्या आई होगी या फिर वास्तव में 6 संख्या नहीं आई होगी। इसी प्रकार से घटना संख्या 6 नहीं आने की भी 2 घटना हो रही है, या तो वास्तव में 6 आया होगा या फिर वास्तव में 6 नहीं आया होगा। तो दोस्तों, संख्या 6 आने की जो प्रायिकता हमें प्राप्त होगी वो होगा 1/6, और संख्या 6 नहीं आने की प्रायिकता हमें प्राप्त होगी 5/6। अब अगर संख्या 6 आई है और वास्तव में संख्या 6 आ रही है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 3/4, क्योंकि यहाँ पर हम सच बोलने की प्रायिकता का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर संख्या 6 उस व्यक्ति ने बोला है और वास्तव में संख्या 6 नहीं है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, और जब संख्या 6 नहीं आई है तो वास्तव में 6 आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4, क्योंकि संख्या 6 तो आई ही नहीं है तो 6 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमारे फॉल्स होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी, जो कि है 1/4। इसी प्रकार से संख्या 6 नहीं आने पर भी वास्तव में संख्या 6 नहीं आई है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4, क्योंकि ये जो है ये सत्य कथन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कि जो संख्या है वो 6 आई है और वास्तव में भी जो संख्या आ रही है वो 6 आ रही है। तो इससे हमें हमारा फेवरेबल आउटकम मिल रहा है 1/6 × 3/4, और जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो हैं 1/6 × 3/4 प्लस 5/6 × 1/4। तो यहाँ से हमारे पास प्रायिकता आ रही है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, वो होगी 1/6 × 3/4 + 1/6 × 3/4 प्लस 5/6 × 1/4, विच इज इक्वल्स टू 3/8। इसे जब आप बेस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो भी आपको 3/8 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बेस प्रमेय की वीडियो हमारी समाप्त होती है। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा है बेस प्रमेय के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे यादृच्छिक चर और इसकी प्रायिकता बंटन के बारे में। धन्यवाद।